ॐ पूरणमदः पूरणमिदम् पूरणात् पूरणमुदच्छते पूरणस्य पूर्णमादाय पूरणमेवावशिष्यते ॐ शान्तिशान्ति शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यम् एष वं वादरायणं सूत्रभाषिकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शांति नारायण नमस्कृत नरम चरोतम दीवी सरस्वती व्यास तथो तो जयदीर ओ शांति 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 दसवा अध्याय हम लोग प्रारंभ करेंगे अध्यायों के अनुसार हम लोगों ने गीता का आधा हिस्सा पढ़ लिया है नौवा अध्याय हम लोगों ने पूरा किया था अब हम लोग दसवें अध्याय में प्रवेश करेंगे दसवें अध्याय के प्रारंभ में इस अध्याय का जो नाम है वो भगवान ने इसको नाम दिया विभूत योग विभूत योग का अर्थ हुआ जिसमें भगवान अपनी विभूतियों के बारे में बता रहे हैं ओम श्री परमात्मा नम अथ दसमो दसम अध्याय दसमो अध्याय प्रारंभ करते हैं और इस अध्याय को जैसा बताया विभूति योग नाम दिया है सातवें अध्याय से लेकर के परमात्मा श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताना शुरू किया कि परमात्मा क्या है जैसा हमने पहले भी विचार किया कि श्रीमद भगवत गीता को तीन भागों में तीन कैटेगरी में हम समझने की कोशिश करते हैं पहले के जो छह अध्याय हैं, उन अध्यायों में जीव के ऊपर में बात की गई है जीव को कैसे करना चाहिए उसके कर्म कैसे हैं, जीना कैसे चाहिए जीव के ऊपर में बहुत सी बातें की सातवें अध्याय से लेकर के भगवान ने वर्णन किया है ईश्वर के बारे में ईश्वर का स्वरूप कैसा ईश्वर की भक्ति कैसे करनी चाहिए सना कैसी करनी चाहिए ये सभी चीजें इस प्रकरण में बताई जाएंगी सातवें से लेकर के भारत इसी क्रम में अब हम लोग आ गए दसवें अध्याय में नौवे अध्याय आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा मैं आपको थोड़ा याद दिला देता हूं कि जब सातवा अध्याय भगवान ने शुरू किया और भगवान ने अर्जुन को ज्ञान विज्ञान की बात बतानी शुरू की ज्ञान विज्ञान की बात की ज्ञान अनुभव के साथ ये बताना प्रारंभ किया बीच में थोड़े कुछ ऐसे टॉपिक आ गए ऐसे कुछ शब्द आ गए उसके लिए भगवान को आठवा अध्याय बताना पड़ा और फिर भगवान नौवें अध्याय में ज्ञान राज विद्या राजगु में आ गए इस सब कहने के बाद में भी ये सब कहने के बाद में भी भगवान को लगा नहीं जो बात मैं कहने चाह रहा हूं वो बात अभी तक पूरी हुई नहीं है अर्जुन का कोई सवाल नहीं है लेकिन भगवान इस अध्याय को प्रारंभ करते अपनी तरफ से श्री भगवान उवाच ऐसा श्री भगवान ने कहा तो आपको पूरी बातें समझ में आ गई पूरा प्रकरण समझ में आ गया कि सातवें अध्याय में भगवान ने ईश्वर के बारे में बताना शुरू किया ज्ञान विज्ञान आठवें अध्याय में थोड़े कुछ अध्यात्म शब्द आगे भगवान ने उनका वर्णन कर दिया फिर नौवें अध्याय में राजविद्या राजगुहे नाम से भगवान ने उसी चीज को बताना शुरू किया और बात भगवान को लगी अभी पूरी नहीं हो पाई तब दसवा अध्याय भगवान शुरू करते हैं अर्जुन का कोई सवाल नहीं है कोई प्रश्न नहीं है और भगवान अपनी तरफ से ही इस प्रकरण को शुरू करते हैं श्री भगवान उवाच क्या शुरू किया भूय एवं महाबाहो श्रृणु में पर हम प्रियमाणा भक्षा हित कामे पहले इस सब मंत्र का अर्थ देख लें भगवान कहते हैं महाबाहो अर्जुन मेरे परम वचन को फिर भी सुनो जिससे मैं मुझ में अत्यंत प्रेम रखने वाले तुम्हारे लिए हित की कामना से कहूंगा अर्थ फिर समझ लीजिए हे अर्जुन हे महाबाहो तुम्हारे लिए मैं दोबारा से जो हितकारी वचन है वही कहूंगा क्योंकि तुम मुझे बहुत ही प्रेम करते हो महावाहो हे अर्जुन मैं तुम्हारे दोबारा फिर कहता हूं मैं दोबारा फिर शुरू करता हूं वही टॉपिक कौन से टॉपिक ईश्वर के स्वरूप को बताने वाला टॉपिक परमात्मा को जीवन में दिखाने वाला टॉपिक कठिन है थोड़ा इसलिए भगवान कहते मैं दोबारा शुरू करता हूं भू दोबारा कह चुका हूं मैं लेकिन मुझे लगता है कि दोबारा फिर कहना चाहिए इसलिए मेरे बचनों को ठीक से तुम सुनो अर्जुन सुन तो रहा था भगवान के वचनों को सुन रहा था लेकिन भगवान कहते नहीं सुनो ध्यान से सुनो बात बहुत महत्वपूर्ण तो है इसलिए इसको ध्यान से सुनो मैं तुम्हें बात बताने जा रहा हूं तो कारण यहां पर भगवान दे रहे हैं तो श्रोता और वक्ता के बीच में जो संवाद होता है उस संवाद तभी हितकारी होते हैं तभी मंगलकारी होते हैं उसमें दो चीजें हैं श्रोता के लिए एक अलग कैटेगरी है और वक्ता के लिए एक अलग श्रेणी है वक्ता को क्या होना चाहिए हितकामी कि वक्ता जो बोलने वाला है उसके एक ही इच्छा है, उसके अंदर होती है कि जिसको मैं बोल रहा हूं उसका कल्याण होना चाहिए भगवान शंकराचार्य जी ने एक छोटी सी पुस्तिका बनाई है उसका नाम है मणिरत्नमाला प्रश्नोत्तर के रूप में प्रश्नोत्तरी भी कहते हैं उसको बहुत छोटे छोटे सवाल हैं बहुत सीधे सीधे उसके उत्तर भी है उस पुस्तक में एक भी प्रश्न पूछा गया गुरु ही को योग गुरु का अर्थ क्या है गुरु की परिभाषा क्या है अब वैसे तो गुरु के बारे में बोलने लग जाए तो लोग बोलते रहेंगे दिनों दिनों बोलते रहेंगे रिसर्च लिखी जा सकती बहुत कुछ बोला जा सकता है लेकिन शंकराचार्य जी ने बहुत स्पष्ट और सीधा सीधा उत्तर दिया हितोपदिष्ठा कि गुरु का अर्थ होता जो हित का उपदेश करे दैट्स ऑल और कोई डेफिनेशन की जरूरत नहीं है गुरु का इतना मतलब है कि जो शिष्य है उसका हित किस में है हितोपदिष्टा जो हित का उपदेश करे हित संसार इस संसार का या कि परलोक का लेकिन गुरु के बचनों में गुरु के उपदेश में एक ही बात होनी चाहिए और वह होती है शिष्य के हित का उपदेश यहां भगवान कहते हित कामेया मैं जो दोबारा फिर बताने की कोशिश करता हूं केवल एक ही कारण है कि मैं तुम्हारा हित चाहता हूं एक ही कारण है मेरे मन में, में एक ही इच्छा है कि तुम्हारा हित हो तुम्हारा कल्याण हो इसीलिए तुमने सवाल नहीं पूछा लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं मैं दोबारा भी बोलता हूं यही आचार्य की गुरु की अनुकंपा होती है शिष्य ना भी पूछे और तो भी उसके हित को ध्यान में रख करके हितोपदिष्टा ऐसा शंकराचार्य जी ने बोला और भगवान उसी बात को यहां पर बताते हैं मैं क्यों कह रहा हूं एक ही उसके पीछे कारण है हित काम है या क्योंकि मैं तुम्हारा हित चाहता हूं एक गुरु की बात हो गई शिष्य का क्या अर्थ शंकराचार्य जी से अगला सवाल पूछा शिष्यस्तु को योग शिष्य कौन है तो हो। शिष्य तो पर भी बहुत कुछ लिखा जा सकता है बहुत कुछ बोला जा सकता है लेकिन बहुत सीधा सीधा उत्तर दे दिया उन्होंने गुरु भक्त एवं बाकी क्वालिटी सब ठीक है एक क्वालिटी होनी चाहिए उसके अंदर में कि गुरु का भक्त होना चाहिए गुरु का भक्त यहां भगवान उस बात को कैसे कहते प्रियमाणा हे अर्चन तुम्हारे लिए मैं बहुत प्रिय हूं इन दो शब्दों में हित हित की कामना से एक गुरु का पूरा लक्षण है प्रिय मारणा एक अर्थ हुआ शिष्य का पूरा लक्षण अर्जुन के अंदर में है अर्जुन भगवान की बातों को सुनने के लिए नहीं सुनता है गंभीरता से प्रेम के साथ सुनता है इसीलिए भगवान कहते तुम नहीं पूछा है लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारा हित कहां पर है इसलिए बिना पूछे भी मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं भूय एवं महाबाहु मैं आपको आश्चर्य होगा अर्जुन ने तो कोई सवाल पूछा नहीं अध्याय पूरा हो गया बात खत्म कर देनी चाहिए एक नया अध्याय लेकिन भगवान को मालूम है कि बात अभी अर्जुन को समझ में नहीं आई मैंने सातवें अध्याय में बताई आठवें में बताई नौवे में बताई अभी भी अर्जुन को बात समझ में नहीं आई ईश्वर का स्वरूप इसलिए भगवान कहते हैं भूय मैं दोबारा फिर बताने की कोशिश करता हूं अर्जुन तुम ध्यान से सुनो और ऐसे जो संवाद होते हैं जहां गुरु शिष्य के हित के लिए उपदेश करता है और शिष्य केवल गुरु की भक्ति के लिए ही समर्पित होता है ऐसे जो संवाद होते हैं उन संवादों में औपचारिकता नहीं रह जाती है जैसे कोई औपचारिकता नहीं है तरीका यह था कि अर्जुन हाथ जोड़ता नमस्कार करता और फिर भगवान से सवाल पूछता फिर भगवान उत्तर देते एक तरीका था लेकिन जब इस तरह का संवाद होता है इस प्रकार के गुरु शिष्य के बीच संवाद होता है तो वहां कोई तरीका नहीं है गुरु को पता है कि मुझे क्या बोलना है अर्जुन का सवाल नहीं है लेकिन भगवान के पास मालूम भगवान को है अभी अर्जुन को पूरी तरह बातें समझ में नहीं आई इसीलिए कहने लगे है अर्जुन तुम दोबारा सुन इस तरह से दसवा अध्याय प्रारंभ हो रहा है कि भगवान अपनी तरफ से ही अपने बारे में अपने बारे में भगवान अपनी ओर से बताने की कोशिश करते हैं दूसरा मंत्र देखिए न मे विदु सुरगण प्रभव न महर्षय अहम आदि रही देवा सर्वस मंत्र का अर्थ देखो भगवान कहते हैं अर्जुन मेरे प्रकट होने को ना देवता जानते हैं और नहीं महर्षि क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि हूं तो भगवान अपना स्वरूप बताने की कोशिश कर रहे हैं बड़ी कठिनाई है कई बार तो ऐसा लगेगा भगवान के अंदर में इतने जो शब्द हैं उनमें अहंकार मालूम पड़ रहा है अभिमान मालूम पड़ता है ये भगवान अपने बारे में जो कह रहे हैं ऐसा लगता है इतना अहंकार में बोल रहे हैं लेकिन अहंकार नहीं वास्तविकता तो भगवान ने कहा है अर्जुन मैं तुम्हें फिर बताता हूं छठे अध्याय में सातवें अध्याय में बताया आठवें में बताया नौवें में बताया लेकिन मुझे मालूम है अभी भी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई पूरी तरह मेरा स्वरूप ऐसा है मेरा होना ऐसा है मेरी सत्ता ऐसी है क्यों है? क्योंकि समस्त विरुद्ध धर्म एक जगह में रह जाते हैं एक चीज सीधी सीधी हो तो समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं है एक कोई पदार्थ है कोई व्यक्ति है कोई किस व्यक्ति का मिलते हैं आप जब भी मिलते हैं बड़ा शांत है आप उसकी डेफिनेशन कर लेते हो बहुत शांत स्वभाव के कभी कोई आपको मिलता है जब भी मिला क्रोधी है आप उसके डेफिनेशन कर लेते हो आदमी बहुत क्रोधी है किसी के बारे में हम ऐसी धारणा रख लेते हैं हम कई बार उसको मिलते हैं उसको देखते हैं फिर एक जजमेंट हम ले लेते हैं ये व्यक्ति बहुत क्रोधी है हमने कई बार क्रोध करते देखा उसको ये लोभी है ये शांत है ये अच्छा है ये खराब है हम कई बार जब उसके साथ अपना रहते हैं व्यवहार करते हैं तो धीरे 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 हम एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं ये व्यक्ति ऐसा है लेकिन कई बार आप बड़े मुश्किल में पड़ जाते हो पता नहीं चलता है आदमी क्या है आप कहते हम समझ नहीं पा रहे तुम हो क्या पति पत्नी को बोलता है पत्नी पति को बोलती है एक मित्र दूसरे मित्र को बोलता है पता नहीं चला तुम हो क्या है? तुम्हारा सारा चरित्र कंफ्यूजन वाला है पता नहीं चला तुम क्या हो कभी तुम बहुत अच्छी तरह बात करते हो कभी तुम बहुत रूडली बात करते हो कभी तुम बहुत उदार लगते हो कभी तुम बहुत लोभी लगते हो ऐसा जो चरित्र होता है ऐसा जो चरित्र जहां विरुद्ध चीजें होती है कभी क्रोधी भी लगे कभी शांत भी लगे कभी उदार भी लगे कभी लोभी भी लगे तो एक निर्णय लेना बड़ा कठिन हो जाता है हम इसको क्या समझे क्या समझे कि वृद्ध चीजें थी वहां पर दिखाई पड़ती क्लियर एक चीज हो रागी है तो राग रहे कोई समस्या नहीं हम बता सकते बहुत रागी आसक्त व्यक्ति है लेकिन जब विरुद्ध चीजें दिखाई पड़ती हैं तब निर्णय लेना बड़ा कठिन हो जाता है इसको क्या निर्णय ले ऐसे ही परमात्मा के यहां सारे विरुद्ध धर्म उस परमात्मा में एक जगह दिखाई पड़ते हैं ईश्वर के अंदर में जितने विरुद्ध धर्म है वह सब मालूम पड़ते हैं तो निर्णय लेना बड़ा कठिन होता है हम भगवान को समझे कैसे एक तरफ से बता दो भगवान करुणा सागर है हम समझ जाएंगे लेकिन कभी कभी लगता भगवान करुणा सागर है कभी कभी लगता भगवान तो जमराज भी है तो समझ बड़े विरुद्ध धर्म एक जगह में होते हैं तो समझने में बड़ा मुश्किल हो जाता है इन विरुद्ध धर्मों में कौन सी चीज लेकर के हम समझें ये परमात्मा का स्वरूप होगा भगवान कहते अर्जुन इसीलिए क्योंकि जब एक चीज कोई जैसी होती है अब एक पेड़ आप देखते आम का पेड़ है बात खत्म हो गई एक पेड़ देखा नीम का पेड़ है बात खत्म हो गई आप बता देते तो आम है नीम है एक ऐसा पेड़ हो जिसके अंदर आम भी है नीम भी है बबूल भी है नींबू भी है एप्पल भी है क्या करोगे क्या बोलो इसको एक किसका पेड़ है सारे के सारे पेड़ जो विरुद्ध हो सकते एक साथ नहीं रह सकते भी हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है परमात्मा में समस्त विरुद्ध धर्म एक जगह है क्योंकि हमको कल्पना करनी पड़ती है और जहां कल्पना की जाती है वहां पर आप कैसी भी कल्पना कर लो ठीक अभी मैं आपको एग्जाम्पल देके बताऊं जैसे संसार में दो चीजें एक माता एक पिता बहुत क्लियर मालूम हमको ये माता है ये पिता है बात खत्म हो गई लेकिन जब परमात्मा की आप बात करते हो तो आप पढ़ना पड़ता है तो एवं माता जब पिता तुमेव तो आप माता भी हो पिता भी हो अब ये जो वृद्ध धर्म है कि मां पिता नहीं हो सकती पिता मां नहीं हो सकता ईश्वर में दोनों चीजें हो सकती क्योंकि आपको इमेजिन करना है आपको बस इसलिए परमात्मा में बहुत तरह के विचार वृद्ध धर्म वाले होते हैं माता भी तुम ही हो पिता भी तुम ही हो अच्छे भी तुम ही हो बुरे भी तुम ही हो तो समझ में नहीं आता कंफ्यूजन होने लगता कि रो हो क्या तुम क्योंकि सारे वृद्ध धर्म वहां पर दिखाई पड़ते भगवान कहते अर्जुन नमे विदो सुर महर्षय प्रभवम ना मेरे होने को मेरे होने को एक सामान्य व्यक्ति की बात तो छोड़ दो अज्ञानी व्यक्ति तो जानेगा ही कैसे ईश्वर के होने को एक सामान्य व्यक्ति जो अपनी रोटी तक सोचता है अपने कपड़ों तक सोचता है अपने घर तक सोचता है अपने शरीर तक सोचता है वो परमात्मा के बारे में क्या सोचेगा इसीलिए उसको सामान्य व्यक्ति है उसकी सोच सामान्य है रोटी पर सोच रहा है पैसों में सोच रहा है कपड़ों में सोच रहा है मकान पर सोच रहा है शरीर में सोच रहा है तो ये सारी की सारी जितनी सोच है जितने विचार हैं ये सामान्य विचार है इसलिए वह सामान्य व्यक्ति है वो परमात्मा के बारे में क्या जाने है? कभी कई बार फिलोसॉफिकल बातें होती हैं वो बोल देते हैं थोड़े समय के लिए कहीं फिलोसॉफी होती है तो बातें कर देते मालूम कुछ नहीं है फिलोसफी चलती है बातें हो रही है बोले भगवान सब जगह बात बता दिया खत्म हो गई ना सुनने वाले कोई को लेना देना न सुनाने वाले को लेना देना बस और टॉपिक निकले कोई पॉलिटिक्स का टॉपिक था वो भी वैसे हो गया ईश्वर का टॉपिक था वो भी वैसे हो गया कोई फर्क नहीं था केवल एक टॉपिक था और हमको बोलना है हर टॉपिक पर तो हमको जब पॉलिटिक्स पर भी बोलना है हमको शेयर बाजार पर भी बोलना है हमको लोगों के पड़ोसों के स्वभाव के बारे में बोलना है ईश्वर के बारे में बोल दिया वो टॉपिक कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं था हमारे लिए केवल एक टॉपिक था एक फिलोसॉफी थी एक विचार था सब बोल रहे थे हमने भी बोल दिया इसलिए सामान्य व्यक्ति से ईश्वर के बारे में कोई सही सूचना नहीं मिल सकती है गहरी बातें नहीं मिल सकती है हां कुछ संभावनाएं हैं तो भगवान ने दो नाम दिए यहां पर स्वरगणा देवता लोग महर्षया और महर्षि लोग जिनकी सोच दिव्य होती है दिव्य होती है उसको देवता लोग बोलते हैं सामान्य सोच नहीं दिव्यात्मा है हम ऐसा समझते हैं कि स्वर्ग में देवता लोग रहते हैं वेद कहता है सूर्य भी देवता है, सूर्यो देवता चंद्रमा देवता अग्नि देवता ऐसा देवता है तम प्रत्यक्षम ब्रह्मासी उपनिषद में शांति पाठ में लिखा है कि भगवान सूर्य को कहा जाता है तुम प्रत्यक्षम ब्रह्मासी तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो हे वायु देवता तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो देवता का अर्थ है जो सामान्य नहीं सामान्य से ऊपर इसके पास दिव्य अनुभव है जिसका अनुभव दिव्यता के साथ में भी है सृष्टि के प्रारंभ में कुछ देवता लोग बनाए गए सूर्य इंद्र वरुण कुबेर यम ये देवता लोग इसलिए दिव्य हैं इनके सोच में इनके विचार में परमात्मा भी है तो भगवान कहते हैं कि इनके सोच में इनके विचार में देवताओं के यहां केवल पदार्थ ही नहीं परमात्मा पर भी विचार करते हैं तो एक संभावना है देवता लोग जो भौतिक पदार्थों से अतिरिक्त दिव्य पदार्थों को भी जानते हैं वे ईश्वर के बारे में जानते हो दूसरा है महर्षि लोग महर्षि लोग जिन्होंने तपस्या करके अपने जीवन को सामान्य तरीके से होते हुए और एक बहुत ऊपर के लेवल पर लेके गए अब थोड़ा फर्क समझना देवता करते हैं भगवान करते हैं कि जो सृष्टि के प्रारंभ में आपको बताया कि देवलोक में हुए पिछले जन्मों में साधना की होगी उन्होंने अब उनको देवलोक में जन्म मिला महर्षि की बात उसकी कर रहे हैं कि जो एकदम सामान्य था विश्वामित्र राजा हुआ करते थे लोभी भी थे राजा को लोभी होने में कोई पाप नहीं है लेकिन महर्षि बन गए वाल्मीकि और ऐसे बहुत से बहुत से महर्षि हैं जो शुरू में कुछ भी नहीं थे जीरो थे और उन्होंने अपने को धीरे 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 पदार्थों के स्तर से ऊपर उठाया शरीर के स्तर से ऊपर उठाया और परमात्मा के स्तर तक इन्होंने सोचना शुरू किया भगवान कहते हैं ऐसे जो महर्षि लोग तो दो संभावना देवता और महर्षि लोग ये परमात्मा के बारे में दिव्य तत्व के बारे में बता सकते हैं भगवान कहते हैं अर्जुन ये बात तुम ठीक कहते हो दो संभावना है लेकिन न में विदु सुरगणा न प्रभव महर्षया अच्छी तरह पूरे विश्वास के साथ पूरी तरह से न तो मुझे देवता लोग जानते हैं और न ही ये महर्षि जानते हैं ये भगवान का स्टेटमेंट न पूरी तरह देवता मुझे जानते हैं न महर्षि मुझे जानते हैं क्यों नहीं जानते हैं? तो भगवान ने उसका कारण दिया अहम आदिरी देवा महर्षि नाम तो सर्वश हे अर्जुन क्योंकि किसी चीज को पूरी तरह जानने के लिए आपको पूरा का पूरा उसको जानना पड़ेगा आप किसी को देखते हैं किसी ने कब जन्म लिया आपने जन्म के समय उसको जानना शुरू किया सपोज ऐसा हुआ कि कोई व्यक्ति हुआ जो आपके सामने जिसने जन्म लिया आपके सामने संसार में था और वो मर गया आप कह सकते हो थोड़ी देर के लिए उस व्यक्ति का पूरा जीवन में जानता हूं आप कह सकते हो आपके सामने उसने जन्म लिया आपके सामने बड़ा हुआ आपके सामने जो हुआ और मर गया उसकी उत्पत्ति से लेकर के उसके विनाश पर्यंत आपको उसका पूरा जीवन मालूम है तो आप कह सकते हो मुझे पता है भगवान कहते हैं अर्जुन समस्या क्या है कि मुझे जानने के लिए मेरा प्रारंभ कहां से हुआ वो जानना चाहिए और मैं कहाँ जाके समाप्त हो रहा वो जानना चाहिए ये संभव नहीं है महर्षि नाम सर्वसा क्योंकि जितने देवता हुए उनके पहले तो मैं था जितने महर्षि हुए उनके पहले तो मैं था मुझसे पहले कोई नहीं था। तो सभी देवताओं के होने के पहले मैं था सभी ऋषियों के होने के पहले मैं था तो मुझे कोई कैसे पूरी तरह जानेगा कैसे मुझे पूरी तरह जानेगा तो मैं उनको जानता हूं क्योंकि मेरे सामने हुए मेरे सामने तक रहे मेरे सामने जाकर के वो समाप्त हो गए इसलिए मैं कह सकता हूं कि मैं उनको जानता हूं लेकिन वे मुझे पूरी तरह जानते हैं अर्जुन इसलिए ऐसा नहीं है कि वे मुझे पूरी तरह जानते इसलिए तुमको फिर मैं रहा कह रहा हूं इसलिए कह रहा हूं भगवान कहते हैं सुनो ठीक से तुम ऐसा मत सोचना ऑप्शन है कि मैं देवताओं से जाके पूछ लूंगा मैं जाकर के ऋषियों से पूछ लूंगा नहीं नहीं मुझसे सुनो एक चीज अब यहां पर है आपके मन में एक विचार आएगा यह तो बड़ी कठिन बात अर्जुन को तो भगवान मिल गए इसलिए भगवान अर्जुन को बता दे रहे हैं लेकिन हम लोगों का क्या होगा हमको थोड़ी भगवान मिल गए हमको तो ऋषियों से कुछ सुनना है हमको तो देवताओं से ही जानना है और देवता ऋषि लोग जानते नहीं तो फिर हमारा क्या होगा हमारा क्या होगा कठोपनिषद में नचके को यमराज ने कहा तत्व जो तुमने हमसे पूछा है पहले तो बताने को तैयार नहीं थे वो तैयार ही नहीं थे और जब बताने लग गए बताने लग गए तो उन्होंने बोला इस आत्म तत्व को मैं जानता और कोई नहीं जानता है और कौन जानेगा मैं जानता परमात्मा श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं मैं यहां पर हूं अब मुझे छोड़ करके तुम सोचो चलो आप छोड़ो हम जाके किसी ऋषि से पूछ लेंगे देवताओं से पूछ लेंगे हम भगवान कहते हैं, मैं यहां पर हूं मैं मैं हूं इसलिए मत सोचना कि मेरी बातों को ना सुन करके किसी ऋषि से किसी उससे पूछ लेंगे भगवान कहते नहीं मुझसे सुनो मैं ऋषियों को भी जानता हूं ऋषि लोग मुझे जानते हैं लेकिन पूरी तरह जानते हैं ऐसा कहना बहुत मुश्किल है देवता लोग मुझे जानते हैं लेकिन संपूर्ण रूप से देवता जानते हैं ऐसा कहना मुश्किल है लेकिन सन्नत ऋषियों से पड़ेगा सुनना देवताओं से ही पड़ेगा लेकिन यदि भगवान वहां पर हैं सुनाने के लिए तब किसी जगह जाने की क्या जरूरत ऐसा मतलब इसका अब आगे का मंत्र देखिए यो माम अनादिम अनादिमचा वेथी लोक महेश्वरम असम मूढ़ा समु सर्व पापई ही अर्थ देखिए भगवान कहते हैं अर्जुन जो मनुष्य मुझे अजन्मा अनादि और संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर जानता है स्वीकार करता है वह मनुष्यों में ज्ञानवान है और संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है अब सवाल है आपको क्यों जाने आपको जाने क्यों यदि आप किसी पदार्थ को जान लेते हैं उससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है आपने जान लिया ये जो टेबल है इस लकड़ी से बना है आपने जान लिया इस बिल्डिंग को बनाने के लिए इस प्रकार का मेटेरियल यूज किया गया है आपने जान लिया आपने जो कपड़े पहने उस कपड़े के अंदर इस प्रकार का मेटेरियल यूज किया गया है आपका पहना हुआ कपड़ा इस कंट्री में बना इस ब्रांड का है आपने जान लिया क्या होगा इससे फर्क क्या पड़ेगा आपने किसी पदार्थ को जान लिया उससे आपको फर्क क्या पड़ा इस पदार्थ का ये नेचर है ये पदार्थ तब पैदा हुआ आप देखते हैं लोग इतनी रिसर्च करते रहते करते रहते करते रहते हैं। ये पत्थर इतने हजार साल पुराना है तो दो दिन कम पुराना होता तो क्या कर लेते एक सौ सा, दो सौ साल और वर्ष पुराना होता तो क्या फर्क पड़ता तो किसी पदार्थ को किसी पदार्थ को हमने जान लिया जानने के बाद जीवन में उसका मतलब क्या निकला ऐसे ही परमात्मा को भी जान लेंगे हम तो क्या फर्क पड़ेगा इसे होगा क्या यदि पदार्थ इन जिन जिन चीजों को तक हमने जाना है वो जानने के बाद उस पदार्थ का ज्ञान हमारे जीवन में किस काम आया इसका परिणाम क्या हुआ आपने जान लिया ये कपड़ा उस कंट्री में है आपके जीवन में क्या फर्क पड़ गया ये कपड़ा इतना महंगा है आपको मालूम पड़ गया उससे आपकी भूख थोड़ी मिट गई एक और चीज जान लेंगे परमात्मा को तो होगा क्या उससे फर्क क्या पड़ेगा जीवन में भगवान कहते सुनो पहली बात मुझे जानो और मुझे कैसा जानो मुझे जैसा मैं हूं वैसा जानो ना जैसा मैं हूं अपनी तरफ से कल्पना करके ईश्वर को मत जान लेना आप अपने रंग भर करके परमात्मा को देखना शुरू कर दो ऐसा परमात्मा शायद आपके जीवन में बहुत फर्क पैदा नहीं कर पाएगा ऐसा परमात्मा भगवान कहते जैसा मैं हूं वैसा मुझे जानो। तो यहां भगवान ने थोड़ी चीजें बताई अपने बारे में अजम अनादिम मैं अज हूं हूं ये बात सही है कब से हूं ये पता नहीं मुझे भी नहीं पता मैं हूं इसमें कोई संदेह नहीं मैं हूं और आज कि जो कुछ हमने चीजें देखी हैं हम उन चीजों की एक उत्पत्ति ढूंढने की कोशिश करते हैं कब से आपने कोई पत्थर देखा कोई डायमंड देखा कुछ देखा तो आप सोचते कब से कितना पुराना होगा ये एक पेड़ खड़ा है हजार साल से आपके तो कितना पुराना है क्योंकि कारण जरूर होगा इसका जब है इसके होने का मतलब इसका जन्म हुआ है तब यह है, भगवान कहते है, मैं हूं और बिना जन्म के, जन्म नहीं और मैं हूं अनादि हूं कोई पता नहीं कब से है हूं बस और एक महत्वपूर्ण बात भगवान कहते हैं सर्वलोकम महेश्वरम मैं समस्त लोगों का महा ईश्वर हूं समस्त लोक जिससे आप स्वप्न में एक संसार का निर्माण करते हो आपने संसार एक स्वप्न देखा रात को नींद में उस स्वप्न का निर्माण आपने किया संसार उस आपके स्वप्न में एक भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसको आप जानते नहीं अनोन कोई पदार्थ नहीं ये तो स्वप्न यदि आपके पदा आपका स्वप्न का पदार्थ मालूम ही नहीं है तो स्वप्न ही कैसे होगा उसका तो आपके स्वप्न का हर एक पदार्थ उसमें आप दो भी देखते हो बहुत बड़ी भीड़ हो सकती है बहुत बड़ा मेला हो सकता है कोई पहाड़ हो सकता है कोई समुद्र हो सकता है आप जो भी देखते हो आप कितना भी देखते हो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आप जानते नहीं आप सब तो जानते हो आप उसके महेश्वर आप अकेले उसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है किसी का कुछ नहीं है कि आपका कोई परिवार का कोई फ्रेंड कोई राजा कोई रूल कोई रेगुलेशन आपके स्वप्न के पदार्थों में किसी का कोई लेना देना नहीं है कोई घुस नहीं सकता है वहां पर यदि आप सूरज देखते हो वो सूरज आपका बनाया हुआ है वह चंद्रमा देखते हो आपका निर्माण है आप जब तक देखना चाहते हो देखते हो खत्म हो गया आपको नहीं देखना तो सूरज गया आपको नहीं देखना तो चंद्रमा खत्म धरती खत्म परिवार खत्म यहां भगवान कहते सर्वलोक महेश्वरम इस समस्त जितने लोक हैं उनका मैं ही अकेला महान ईश्वर हूं किसी का हस्तक्षेप नहीं है न किसी की सहायता है जैसे आप स्वप्न देखते हो आपको नहीं लगता मुझे किसी की हेल्प लेनी चाहिए कोई आज बड़ा स्वप्न देखना है किसी की थोड़ी हेल्प ले लो आज स्वप्न बड़ा भारी देखना है अब ज्यादा लंबा विस्तार कर दिया तो चलो किसी को बुला करके थोड़ा इसको खत्म करने के लिए कोई चाहिए लोक महेश्वरम भगवान कहते हैं जितने भी लोक हैं जितने भी लोक हैं जितने अनुभव हैं जितने एक्सपीरियंस हैं उन सब का मैं एकमात्र ईश्वर किसी का इसमें न तो किसी की कोई सहायता है तो मुझे कैसा जानना है लोक महेश्वरम आज समझना है अनादि समझना है और समस्त लोगों का महेश्वर जानना है आपको लोग समस्त मालूम हो न मालूम उसे कोई मतलब नहीं है अभी हम कोशिश कर रहे हैं जानने की कि चंद्रमा पर क्या क्या चीजें हैं अभी हमारी कोशिश चल रही जाने चंद्रमा पर क्या क्या है फिर और कोशिश होगी मंगल पर क्या क्या है और कोशिश होगी किसी और ग्रह में क्या क्या है युगो लग जाएंगे तो यहां पर भगवान कहते हैं आपको ग्रहों इन लोगों को जानने की बहुत जरूरत नहीं कितने भी लोग होने दो आप एक सूत्र पालन करो आप एक फार्मूला लेके चलो एक नियम लेके चलो जो कोई भी लोक है जो कोई भी लोक है जो कोई भी पदार्थ है उन समस्त पदार्थों का जो सृष्टा है ईश्वर है परमात्मा है समस्त लोकम लोका नाम एक लोक महेश्वरम तो समस्त लोकों का एकमात्र में ही ईश्वर हूं ऐसा जो जानता है तो भगवान को हमने अपने तरीके से जाना होगा भगवान कहते इस प्रकार से लोक महेश्वर के रूप से मुझे जानो समस्त लोगों का मैं ही महा ईश्वर हूं महा ईश्वर करते आप भी ईश्वर हो सकते हो कहीं इंद्र को बना दिया स्वर्ग का राजा इंद्र हो गया धरती में कोई अमुक को अमुख राजा है अमुक देश का ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति है किसी सिटी का कोई कमिश्नर है कोई मेयर है फैमिली में आप बॉस हो सकते हो अपनी फैमिली में लेकिन लोक महेश्वरम समस्त लोगों का जो ईश्वर है ऐसा जो मुझे जानता है भगवान कहते हैं वह व्यक्ति असम है अज्ञान खतम असम मूढ़ समु मर्थ संसार में जो मर्थ्य लोग हैं मरने वाले लोग हैं अज्ञान में पैदा होते हैं अज्ञान में रहते हैं अज्ञान में मर जाते हैं अज्ञान के कारण ही उनका होना हुआ अज्ञान के कारण ही उनकी मृत्यु हुई वो सब है उन लोगों में हो सकता है ज्ञान बहुत हो कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो कोई बहुत बड़ा डॉक्टर हो इंजीनियर हो लेकिन मोह फिर भी यही तो मोह की महिमा कि जानते हुए भी आदमी मोह में रहे यही तो। एक डॉक्टर शरीर के बारे में सब जानता है एक डॉक्टर शरीर की सब संरचना को जानता है शरीर के स्वभाव को जानता है नेचर को जानता है फिर भी शरीर में आ सकता है फिर भी शरीर के साथ इतना लगाव है कारण क्या है अज्ञान ज्ञान के साथ अज्ञान भगवान कहते हैं जो व्यक्ति इस प्रकार से मुझे जानता है वह मृत्यु लोगों में जो मरने वाले लोगों में से ये व्यक्ति असम मूढ़ हुआ ये असम मूढ़ है अब इसको मोह नहीं बस इतनी करना था मुझे जाना और उसका जानने का परिणाम क्या हुआ अब सारे मोह समाप्त हो गए मृत्युलोक में है लोगों के बीच है लेकिन लोगों के बीच नहीं है असम मूड है और उसके परिणाम क्या निकलता है सर्व पाप ही उसके सारे पाप अपने आप गिर पड़ते हैं सारे के सारे पाप एक एक पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है एक एक पाप को भोगना नहीं पड़ता है जिसे अभी भोग रहे हैं। एक पाप आया उसने दुखी किया एक पुण्य आया उसने थोड़ा सुखी किया तो अभी जिस तरह से हम भोग रहे हैं, यह भोगने की प्रक्रिया अनंत काल तक चलती रहेगी तो भी पाप खत्म नहीं हो गए अनंत कालों से चल रही है अनंत काल तक चलेगी लेकिन ये प्रक्रिया कभी पूरी नहीं हो सकती है भगवान कहते जैसे ही इसने मुझे जान लिया सर्व पाप ही प्रमुख उसके सारे पाप अपने आप झड़ जाते नीचे को अपने आप गिर पड़ते हैं पापों के अंदर सामर्थ्य नहीं रहती है उसके साथ में चिपका रहे सर्व पाप ही प्रमुचते और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है ओम पूमद पूर्ण मूर्ण मुद्दती पूर्णस्य पूर्ण में वशिष्य ओम सांती, शांति 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 शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाषिकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवदव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्तिशान्तिः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः